ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का दसवां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान श्री सदाशिव के उन रूप से जिसको कि माया के बस होकर अपना पुत्र समझ रहा था, मेरे पास आकर कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कथा वेद की आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भगवान सदाशिव के यह वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी आज्ञा अनुसार श्री भगवान सदाशिव ने भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, बेताल तथा ब्रह्म राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उनसे कहा कि इन कुपुत्रों को तुम अभी नष्ट कर दो और श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न करो। मेरी बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, नहीं, मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूँगा कि जिसको मरना जीना पड़े, उनको आप स्वयं ही उत्पन्न कीजिए। उनमें से जो प्राणी चिंताओं को त्याग कर परमानंद में मग्न होंगे, उनको मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री सदाशिव ने अपनी माया को खींच लिया। तब मुझे ज्ञात हुआ और फिर मैंने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने मुझे सदाशिव प्रदान की और इसके पश्चात नील लोहित भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके पश्चात मैंने नील लोहित भगवान श्री शंकर की आज्ञा अनुसार शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचोकरण करके उनके स्थूल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, समुद्र, वृक्षाण और कलादि युग पर्यंत कालों की रचना की तथा सृष्टि के और भी बहुत पदार्थों की मैंने रचना की, किंतु जब इससे मुझे संतोष न हुआ तो मैंने उसी समय भगवान श्री शंकर का ध्यान करके अपने नेत्रों से मारीची को हृदय में, भृगु को सिर से, अधीरा को कान से, मुनि श्रेष्ठ पुत्र को उदान से, पुलस्त्य को समान से, वशिष्ठ को अपान से, केतु की कानों, अत्रि को प्राण से, दक्ष को और गेंदी से तुम्हें श्री नारद जी को उत्पन्न किया। इसके पश्चात मैंने अपने दो रूप तो सतरूप था और स्वीर मनु मनु था, इन दोनों का परस्पर विवाह हुआ। इसके पश्चात श्री मनु जी के यहाँ प्रियव्रत और उत्तावपाद नामक दो पुत्र हुए और आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक तीन कन्याएं। बाद में आकृति का विवाह महर्षि रुचि के साथ, देवहूति का महर्षि कदम के साथ और प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति और रुचि के यहाँ 12 पुत्र हुए। देवहूति और कदम के यहाँ बहुत से पुत्र हुए और दक्ष के यहाँ 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें से 13 कन्याएं यक्ष ने धर्म को दी। उनके नाम यह है, श्रद्ध, लक्ष्मी, दृष्टि, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, बुद्धि, क्रिया, लज्जा, वशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर उनसे छोटी 11 कन्याओं को ख्याति, सत्पुत, समूर्ति, प्रति,
छम, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरी, मुनि, पुलस्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहिन और पितर के साथ ब्याही, जिनकी संतान से समस्त त्रिलोकी भर गई। फिर तो भगवान श्री सदाशिव के आज्ञा के अनुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए, दक्ष की 60 कन्याओं की संतानों से पाताल से लेकर अन्य सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया और रत्ती भर भी स्थान खाली न रहा। नारद, इस तरह मैंने भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा अनुसार सृष्टि की रचना की और इस तरह भगवान श्री सदाशिव ने अपने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैंकुंठ तथा दायां अंग मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यह 3 गुण प्रधान हुए। सत, रज, तम तीनों गुणों में मैं प्रधान हूँ। इन तीनों गुणों में से रजोगुण वाली सुरा देवी, सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के सतीपरा और शिवा, उमा, यह 3 रूप हैं, जिनमें शिव सती के रूप में भगवान श्री शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर अपने पद को प्राप्त हुई और फिर पार्वती होकर तप करके भगवान श्री शिव जी को प्राप्त किया। कालिका, चंडिका, भद्र, चामुंडा, दीक्षा, जया, जयोत, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मरादी, यह नाम श्री पार्वती के ही हैं। फिर तो तीनों देवियों और देवताओं ने मिलकर अनेक प्रकार की उत्तम सृष्टि की।